स्कॉर्पियो भी रखो भाई। हाँ, स्कॉर्पियो भी ठीक है। गाड़ी तो आज ही लॉन्च हुई है, न्यू वर्ना फाइनली भाई आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, प्राइस वगैरह सब कुछ रिवील हो चुके हैं। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये वर्ना आ चुकी है भाई, पुरानी भी और नई भी। यहाँ पे देखो सारे बंदे, देखो आपको कोई भी ऐसे नहीं लगेगा कि 30 प्लस की उम्र वाले बंदे, सारे 30 से नीचे छोटी उम्र वाले बंदे हैं। क्या बात, खुद हुंडई कह रही थी ऑफिशियल लॉन्च में। हाँ, ऑफिशियल अंडर 30 44% सेल जो है इस वर्ना की अंडर 30 की एज वाले लोगों ने कैप्चर कर रखी है। और वही चीज है भाई, शोरूम में भी देख लो सारे के सारे, और ऐसे भी है जो पुराने यूजर भी हैं इस वर्ना के, वो भी है भाई इस गाड़ी के अंदर में। और अब टर्बो, अच्छा डैशबोर्ड छोटा लग रहा है, बाकी कंफर्ट कंफर्ट सब कुछ बड़ा लग रहा है। अच्छा, एक और बूट स्पेस और देखो भाई, 528 का है ना, अपनी पुरानी वर्ना देखोगा तो भाई पहली बार नहीं चला रहे हो, वरना ही चला रहे भाई, दोनों अच्छा वरना ही लेते आ रहे हैं भाई। जो ये वर्टस है, होंडा सिटी है, यही बात कही भाई ने, क्या चीज़ नए लड़कों को यही पसंद आती है सबसे ज्यादा ब्लैक। अरे होंडा भी यही बात कह रही भाई, आधे 50% लोग इसको हाँ लड़के ही लेते हैं वही। भाई आप इससे पहले वरना चला रहे हो या पहली वरना है भाई, इसमें मतलब मुझे आप चल ठीक है भाई, ना बता पा रहा हूँ ये बता देगा भाई, अरे बोलेगा बोले क्यों नहीं यार, सब एक जस्ट थोड़ी ना है। ये बता भाई पहली वरना है या इससे पहले वरना चला रहे हो? नहीं पहली वरना। अच्छा आपने वरना की क्यों सोची भाई? होंडा सिटी वर्टा स्लाविया सिटी तो थी पहले मेरे पास। अच्छा, वरना बस अभी ये नया मॉडल नया लुक देख के कर रहे थे, गाड़ी नहीं लेनी थी। अच्छा सेडान गाड़ियां देख रहे थे तो ये दिख गई सेडान, मतलब अच्छे से। अच्छा तो मस्त लग रही है, मतलब देखने में तो अच्छी लग रही है। आज हमने ड्राइव टेस्ट ड्राइव तो खैर आई नहीं है, जैसे आपने होंडा सिटी से इस पर शिफ्ट हुई, जो नई वाली होंडा सिटी आ रही थी 5th जनरेशन वो थी या फिर जो पुरानी वाली थी? पुरानी वाली थी, उससे तो काफ़ी बेटर है यार ये। आप जैसे इसमें बैठे हो होंडा का एक चीज़ होती है पावर होती है इंजन की बहुत बढ़िया। हाँ, और इंटीरियर पुरानी का भी इससे बेटर लगता है। ऐसा क्यों यार, मेरे को तो पुराने का बड़ा सिंपल सा देते हैं वो। हाँ पर वो अच्छा लगता है, सम रीजन उसका ये ऐसा प्लास्टिक की फील नहीं आता उसका। ऐसे कुछ लग रहा है, आपकी हाइट क्या है भाई पहले बताओ? मेरी 5 से 5 साल। आपको स्टेयरिंग व्हील और जो सीट का कंफर्ट है इसमें कुछ कमी पेशी लग रही है? विजिबिलिटी वगैरह कोई दिक्कत आ रही है गाड़ी में? कौन सा वेरिएंट आप इसका लेने का सोच रहे हो? लेंगे तो टॉप ही, क्योंकि ऑटोमेटिक लेना है। भाई एक और भाई से पूछते हैं, भाई आप इससे पहले कौन सा चला रहा था? भाई अपने पास तो 2-3 है, मर्सिडीज भी है, अमेज भी है, वरना भी थी। हाँ। फिर वरना देखा दोबारा, वरना ही नहीं भाई। हाँ अब भाई इसमें बैठा है पुरानी बैठा कुछ अंतर है दोनों में भाई? बहुत ज्यादा, एक तो फीचर्स ज्यादा लोड कर दिए। अच्छा, लेंथ बढ़ा दी है गाड़ी की। अच्छा वो बढ़ा दिया है भाई, पहले 120 टॉर्क कर रहे थे, 160 कर दिया है। अंदर से आपने यूं लग रही है बिल्कुल बढ़िया कर दी, बहुत लग्जूरियस बना दी भाई पहले से। आपके साथ और कोई भाई आ रखा है? भाई बुलाओ ना भाई, आपने कैसी लगी भाई? बढ़िया है, एक नंबर। आपकी क्या हाइट है भाई? भाई आपकी क्या हाइट है भाई? एक बार बैठा ना पीछे भाई। ये एक चीज देखो, सारे ही अपने ये 30 से कम उम्र वाले हैं, आप देखो शोरूम भाई। हाँ, चीज वरना लेवे भी ऐसी यार, सारा यंगस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट है भाई ये, करिए डाउन। हाँ, यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत अच्छी। हाँ, मतलब कि ये लगा लो कम पैसे में ना पूरा टोरा। हाँ, फुलफिल हो जाती है। और ब्लैक में तो है ब्यूटी बोलता हूँ मैं तो, ब्लैक ब्यूटी। और भाई रॉकेट है। अब कौन सी बुक कर रहा हो फिर? यही कर रहा हूँ भाई, टॉप मॉडल, टॉप ब्लैक में, ब्लैक कलर। अदरवाइज सीधा ब्लैक, स्कॉर्पियो भी रखो भाई। हाँ, स्कॉर्पियो भी ये सारी मिलेगी भाई, स्कॉर्पियो भी और ये वरना भी। भाई आपने कैसे लग रहा है पीछे का कम्फर्ट? भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा। हेडरूम तो मैंने ऐसे लग रहा है आपके सर टच हो रहे हैं यार ऊपर। नहीं भाई बहुत ठीक है भाई। ये आगे वाला स्पेस तो बहुत ज्यादा ऐसा है इस गाड़ी में। उन्होंने कर रखा था मैडम ने, अभी देखो इसको जो, अगर देखो ये
ये बैठेगा हमारे ऑटोमेटिक अगर हम चलाते हैं भाई, वेट हाइट है तो ऑटोमेटिक के लिए इतना तो चाहिए, हमें क्लच की जरूरत ही नहीं है, क्लच जरूरत नहीं है भाई। गियर नॉब बहुत अच्छी कर दी है ये, जो ऑटोमेटिक नॉब है ना भाई, बहुत ज्यादा प्रीमियम कर दी है, बहुत ज्यादा। ये वायरलेस चार्जिंग है भाई, इसमें भी मोड बढ़ाए हैं अभी, ये मैंने देखा नहीं है, ये तो मैंने जो देखा था आज सुबह यूट्यूब पे उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये चीजें दी हैं। पहले तो क्या होता था, फेक दिखा दिया, पर ऐसा नहीं है, सारी चीजें दी है, वेंटिलेटेड में चार मोड दे दिए। चल बढ़िया भाई, भाई जो भी गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं ना उसको बढ़िया लग रही है, जो बता पा रहे हैं उसको तो बढ़िया लग रही है, क्योंकि यंगस्टर का ज्यादातर ये हो रहा है कि यार वो थोड़ा सा, मैं भी यंग हूँ अभी, कहाँ मतलब बता नहीं पा रहे, तो इस भाई ने बहुत बढ़िया सा बताया भाई। कितनी पब्लिक का ले लो, बैक कैमरा तो सबको तगड़ी लग रही है गाड़ी है, बट वो ही थोड़ा सा जैसे जिनकी 6 से ऊपर हाइट है ना उनके लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है इसके स्टीयरिंग व्हील पे, जैसे स्टीयरिंग भाई सबसे मैक्सिमम ऊपर है और मैक्सिमम अंदर है, अगर कोई आपके पैर पे टच हो रहा है और सीट को डाउन करने का, ये मैक्सिमम डाउन है, मैक्सिमम डाउन है भाई। 6 फुट के तो मेरे हिसाब में नहीं बैठ पाएंगे इसमें, दोनों की नाड़ती टेढ़ी हो रही है दोनों भाइयों के बीच में, बाड़क सही ये बीच में थोड़ा सा बटा दिया। कैसी लगी सर आपको? ठीक है, गाड़ी तो आज ही लॉन्च हुई है वैसे, ठीक है ना, आप जैसे बैठे हो अभी गाड़ी में तो बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है। चलो बढ़िया भाई, रिएक्शन सारे जवान बच्चों का यही है कि भाई गाड़ी एक नंबर की है ये, जितने लोग मुझे बता पाए। अब 1.5 लीटर का इसके अंदर में इंजन है, डीजल इंजन गाड़ी के अंदर से बंद हो चुका है, 115 PS और 143 Nm टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ना वहाँ पे भाई 18 KMPL का, जो टर्बो इंजन है वहाँ पे 20 KMPL के, और आपने अभी तक सुना होगा कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन आता है वहाँ पे भाई माइलेज ज़्यादा मिलती है, ऑटोमेटिक में कम मिलती है, बट अब यहाँ पे क्या हो गया कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ज़्यादा है बट जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वहाँ पे जो माइलेज है गाड़ी के अंदर में कम है। और बूट स्पेस भी यूं है, बेस्ट इन सेगमेंट है गाड़ी के अंदर में, बहुत बढ़िया सा बूट स्पेस दिया गया है। कंफर्ट नो डाउट जो नी रूम और लेग रूम है काफी बढ़िया, बट जो हेड रूम है वहां पे गाड़ी के अंदर में 6 फुट से ऊपर वाली हाइटों के लिए थोड़ी सी दिक्कत उसके अंदर में हो जाती है। अब इसका थोड़ा सा इंटीरियर्स आपको और दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिल जाती है। जैसे रिक्वेस्ट सेंस है ना वो सिर्फ ड्राइवर साइड ही गाड़ी में मिलता है, और जैसे डोर हैंडल्स भी क्रोम में नहीं दे रखे हैं, ये थोड़ा सा मैं कोक टाइप का सा सिल्वर फिनिश या क्रोम का सा इसी तरीके की इसमें यूज़ दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, किसी और गाड़ी के अंदर में नहीं दी गई है। और जो ये चीज़ देखो ये बहुत तगड़ी लगी मुझे, जैसे अभी AC के कंट्रोल्स यहाँ पे अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये म्यूजिक सिस्टम के यहाँ पे कंट्रोल हो चुके हैं, और ये ना टच रिस्पॉन्स के साथ में काम करेंगे, फिर दबाऊंगा फिर ये आपके AC के कंट्रोल्स यहाँ से दोबारा में हो जाएंगे। और जो गाड़ी के अंदर में जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोनों कनेक्टिंग है, और ये है 10.25 इंच की फुल HD डिस्प्ले जो कि आपकी इंग्लिश भी सपोर्ट करता है, मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेज जो है ये सपोर्ट करता है, और यहाँ पे पूरे में एम्बिएंट लाइट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या है, ड्राइवर ओरिएंटेड है, और ये वाला एरिया क्या है उस साइड में है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा से इसका डैशबोर्ड है। पेडल शिफ्टर भी गाड़ी के अंदर में है, ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं, और एक चीज़ देखो यहाँ पे तो रफ फिनिश है बट यहाँ पे क्या है गाड़ी में पियानो फिनिश दी गई है। जो गियर नोब है वो भी तगड़ा है, वायरलेस चार्जिंग भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है, बट जो टर्बो इंजन आता है ना उसका ये इतना कॉन्सोल जो है डिफरेंट मिलता है, बट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। सनरूफ की जो ओपनिंग है वो भाई सेगमेंट में और गाड़ियों में ज़्यादा बेटर है, लाइक होंडा सिटी में इससे ज़्यादा सनरूफ ओपन हो जाती है। अब इसकी ओपनिंग करके दिखा देता हूँ, ये देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है, बाकी रिव्यू भी पूरा ही हो गया है। चलो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।